अस्सलाम वालेकुम माई लवली पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और ये देखिए जी, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। एक्चुअल मेरी ये लॉन्ड्री है, बास्केट फुल थी, ये एक्स्ट्रा थे टॉवल, तो मैंने यूँ ही उस पर कारपेट पे नीचे रख दिया। तो एनीवेज जी, आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। मैं अपनी बेटियों को लेके जा रही हूँ। आज डैडी की जेब को हमने करना है हल्का। तो हस्बैंड से कहा कि हमने शॉपिंग के लिए जाना है, बच्चों के शूज़ वगैरह ख़रीदने हैं। तो उन्होंने बिंदास हो के बोला, ये लो लो मेरा कार्ड और जो दिल करता है बाय करो। तो जी आज तो हमारा था लकी डे, ठीक है, आप क्या कहते हो, लकी डे था हमारा। तो बस मैं, मेरी बेटियां, हम लोग चल जा रही हैं अभी एडवेंचर पे, और होपफुली आप लोग को मिलेंगे टाउन सेंटर में। चले जी, ये देखिए अभी हम रेडी हो गए, ठीक है। आज मैं पोनी शोनी कर लिए, मैं कहा चलो बाहर शायद हवा शवा हो तो बंदा महफूज तो रहता ना थोड़ा सा, नहीं। और चले जी, मैं लॉक लगा लूँ, फिर आपको बाहर जाके मिलते हैं, ठीक है जी। चलो ठीक है, बाहर जाके मिलते हैं आपको। चले ये देखे दोनों, मेरी दोनों लाडो ने एक ने उधर मुँह उठाया हुआ, एक ने उधर मुँह उठाया हुआ, बस दे इंजॉइंग आउटसाइड। तो एक्चुअल टुडे वॉज बैंक हॉलीडे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था बाहर, यू नो, जो नॉर्मली होता है, जैसे रश होती है और यू नो वैसा कुछ नहीं था। बैंक भी बंद थे क्योंकि बैंक हॉलीडे था। शॉप्स खुली थी लेकिन वो भी एक सर्टन टाइम के लिए खुलती हैं। तो बस ये हम लोग जा रहे थे साथ, मैंने सोचा आप लोगों को भी सैर सपाटे कराती जाऊँ, क्योंकि सब दा दिल करता है भाई सैरा करन थे। तो ये देखे जी, इन दोनों को अच्छे शूज़ लेने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी इनको खुशी है अपनी। मैं नहीं अभी बताऊंगी, आप लोग पूरा वीडियो मेरे साथ देखें तो एंड पे आपको पता चल जाएगा कि क्या लेने के लिए खुश थी, ठीक है। ये बस ये इसलिए वहाँ जाती हैं मेरे साथ क्योंकि इनको वो चीज़ वहाँ से लेनी है। मेरे बहुत से फ्रेंड तो ऐसे हैं जिनको पता चल गया होगा कि उनको क्या पसंद है और वो एक्सचेंज मॉल से क्या बाय करती हैं। तो ये देखे जी, ये हम लोग गुजर रहे थे इल्फ़ लेन से, तो ये है जुनेद जमशेद ये शॉप है यहाँ पर। इसको देख के बहुत खुशी होती है कि यार देखो साडा पाकिस्तान का नाम ही तो इसको इस एरिया में आके लगता है कि भाई यहाँ तो मैं सियालकोट के किसी अच्छे से वो यू नो कैंट एरिया में फिर रही हूँ, या फिर मैं उधर हूँ लाहौर में कहीं फिर रही हूँ। तो ये जी हम लोग पहुँच गए एक्सचेंज मॉल पे। हम लोगों ने जाना था जी थर्ड फ्लोर पे जाना था। तो बस ये इन दोनों को लेके मैं वहाँ गई क्योंकि वहाँ पर था स्पोर्ट्स डायरेक्ट, तो मुझे जाना था उधर इनके शूज़ बाय करने के लिए। तो इनके शूज़ मैंने लास्ट टाइम लिए थे मैंने उधर से जेडी से, तो इस दफ़ा मैंने सोचा चलो स्पोर्ट्स डायरेक्ट से ले लेती हूँ, अच्छी ऑफ़र्स यहाँ पर लगती हैं और बहुत अच्छे शूज़ मिलते हैं, हर ब्रांड के शूज़ मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ से ही ले लेते हैं। तो बस इस शॉप पे तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स डायरेक्ट पे बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, हर पेरेंट्स का होता है कि हम जाएँ और फ़ौरन से पहले बच्चों के लिए शूज़ वगैरह बाय करें। तो ये देखिए कितनी ओबीडियंट बन के यहाँ पर बैठी हैं, ये है भी दोनों ओबीडियंट हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि अल्लाह का शुक्र है कि ये दोनों बहुत मानती हैं मेरा कहना और जैसे मैं कहूँ वैसे करती हैं। तो ये जिनके शूज़ थे किकर्स के हैं, तो ये इनके स्कूल के शूज़ हैं, बड़े कंफर्टेबल होते हैं और बच्चों के लिए ये मेरा ख्याल करते हैं सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। और ये हम लोग गुजरे थे H&M के साथ क्योंकि मुझे न्यू लुक भी जाना था, तो ये H&M में भी मैं गई, इनके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ बाय करनी थी वो भी मैंने बाय की थी, ठीक है। वीडियो इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि फिर ये होता है कि मुझे वो बाय करना होता और मैं पे कर रही होती, तो इसलिए। तो ये थी जी एक, ये है एक शॉप है, ये इसका अरेबियन मस्क है, तो ये बहुत अच्छी शॉप है, इल्फ़र्ड लेन में है, एक एक्सचेंज मॉल में है, आई थिंक और भी कहीं थी, वो गर्ल ने मुझे बताया था लेकिन मुझे भूल गया और किस जगह थी। तो अच्छा परफ्यूम है, मैंने इनसे बाय किया था ऊद का, पता है ना आपको अरेबियन ऊद जो होता है वो मैंने बाय किया था। तो यहाँ मेरा ख्याल करता है मैं आपको कुछ कह रही थी पर पीछे बहुत ऊंची म्यूज़िक था, तो मैंने सोचा कि भाई वॉइस ओवर ही कर लो तो चंगा है, ऐसे तो पहले कि तानू स्ट्राइक आ जाए तो अच्छा आपको पता चल गया मेरी बेटियों ने क्या बाय किया। यस, मेरी बेटियों ने एज़ यूजुअल और एज़ देयर विश उन्होंने बबल टी बाय किया, ठीक है जी, उनकी फेवरेट है, वो जब भी एक्सचेंज में आती हैं उनको ये बोबा टी तो बाय करनी ही करनी है जो मर्ज़ी हो जाए। तो डैड भी कहते हैं कि भाई इनको मना नहीं करना, जब दे वन दे वॉन्ट टू बाय जस्ट बाय फॉर देम। तो मैं भी यही करती हूँ जी कि मैं अपनी बेटियों के लिए बाय कर लेती हूँ और फिर सिप सिप दोनों से उधार लेती हूँ, ठीक है। अच्छा उधर से हम टी लेके तो फिर मैं वापस इसी जगह पर आई,
क्योंकि मुझे परफ्यूम बाय करना था, ठीक है। और वैसे भी अरेबिक परफ्यूम जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं, लास्ट लॉन्ग जाते हैं, स्पेशली जो ऊद वाले होते हैं, ठीक है। तो ये वाला मैंने पहले लिया, ये मेथीर, तो मुझे उस वक्त तो वहाँ पर ठीक लगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, फ्रूटी स्मेल है, यू नो फ्लावरी फ्रूटी सी और स्वीट स्मेल है। लेकिन जब मैं घर आई तो ये बड़ा रबिश निकला और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैं वापस गई थी फिर एक्सचेंज करने के लिए, और फिर मैंने ऊद का ऊद परफ्यूम लिया था, ठीक है। अच्छा, मेरे पास परफ्यूम की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, ऑल काइंड ऑफ परफ्यूम मेरे पास हैं, तो किसी दिन मैं उसका स्पेशल एक व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से परफ्यूम है। मैं इसलिए नहीं बनाती कि आई डोंट वांट टू शो ऑफ, बट मेरे कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे परफ्यूम भी देखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से जी मैंने ले लिया परफ्यूम। फिर हम इसके बाद जा रहे थे जी, मेरी बेटी कहती है मामा डोंट फॉरगेट टू गो न्यू लुक। मैंने कहा चलो जैसे न्यू लुक भी चले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ एक्सचेंज करना था और कुछ बाय करना था। तो एक्सचेंज मैंने ये करना था कि मैंने इनके लिए मंगवाए थे न्यू लुक से कुछ वो बॉटम और वो मंगवाए थे स्वेट शर्ट्स मंगवाई थी। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने स्वेट शर्ट भेज दी और बॉटम नहीं भेजे, मतलब जैगिंग्स नहीं भेजे, तो वो मुझे खाली तो नहीं थी लेनी। तो मैंने कहा पाई है अपने फड़ो अपने स्वेट शर्ट थे, मैनू मेरे पैसे वापस करो। एनी वे मनी तो उन्होंने भाई वापस नहीं करते, वो ऑफकोर्स वो पुट इट बैक इन माई अकाउंट। तो इट विल टेक ऑलमोस्ट या ना वीक लगता है जब मनी जो है ना आपके अकाउंट में वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये मैं न्यू लुक के अंदर जा रही हूँ, बहुत अच्छी थी, यहाँ पर भी क्वाइट गुड सेल थी। तो यहाँ से भी मुझे दो तीन चीज़ें पसंद है वो ली, और ट्विंकल ने अपने लिए स्पेशली जो है ना कुछ यहाँ से बाय किया। देखिए उसने क्या बाय किया, ठीक है। क्योंकि मेरी तरह मेरे बच्चों को भी ना, मेरी दोनों बेटियों को ना इश्क है परफ्यूम से। तो बस जी यही बात है कि मुझे मैं जहाँ परफ्यूम देख लूँ ना, बस आई कॉन्ट कंट्रोल माई सेल्फ, और मैं कुछ और बाय करूँ ना करूँ तो बस जी मैं परफ्यूम डेफिनेटली बाय करती हूँ। यहाँ पर भी इसको खुशबू अच्छी लगी थी। अच्छा, जो ये है ना न्यू लुक के परफ्यूम, डैबनम से परफ्यूम जो मिलते हैं, M&S से जो परफ्यूम मिलते हैं, इनके ना काइंड ऑफ जो है ना खुशबुएँ वो स्वीट होती हैं, वो होती है स्वीट और यू नो बड़ी मज़े की स्मेल होती है ना। तो वो फिर कंपेयर अगर करो ना उनको अच्छे ब्रांड्स के साथ, तो वो उनके साथ मिल जाती हैं थोड़ी बहुत। तो बस जी बबल टी देखे जी, तो बस बबल टी ली, दोनों की खुशी की इंतहा न रही, क्या बात है ना। तो बस बबल टी ही लेके तो खुश है दोनों, मेरी बेटियां बहुत खुश थी माशाल्लाह से कि हाँ मम्मी ने हमें बबल टी लेके दी। तो इस वाले मॉल पे ऑलमोस्ट बहुत सी ब्रांडेड शॉप्स हैं, तो कभी भी कुछ ऐसा लेना हो तो इंस्टेड ऑफ़ गोइंग टू द सिटी, यू नो लंदन सिटी जाने की बजाय, वो भी मेरे घर से बहुत नज़दीक है, कोई इतना फार नहीं है, बस ट्रेन पकड़ो चार पाँच स्टॉप और वो आ जाते हैं, डिफरेंट यू नो स्टॉप्स आ जाते हैं जहाँ से आप इज़िली एवरीथिंग बाय कर सकते हो। क्लेयर्स गुजरा तो कहते मम्मी शैल वी गो, आई सेड नो वी डोंट। तो क्योंकि भैया मैं अभी पिछले दिनों आप लोगों को याद है कि मैंने क्लेयर्स में लेके गई थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ स्पेंड किए थे, क्योंकि इन लोगों को इनकी कुछ चीज़ें बाय करनी थी। तो एनीवेज यहाँ से भाई इन्होंने ले लिया, अपने स्लश लिए, कुछ इन्होंने परफ्यूम्स लिए, कुछ इधर उधर की चीज़ें ली, और अब बहुत इन्जॉय कर रही हैं यहाँ बैठी बैठी, ये दोनों पी रही हैं और एक दूसरे को कहती है कैन आई हैव अ सिप, कैन आई हैव अ सिप, ओ नो नो डोंट टेक टू मच। तो ये दोनों जी एक दूसरे से वो भी कर रही है कि मेरा ज़्यादा नहीं तुमने मेरे टैपियोका लेना, वो दूसरी कहती है मेरे पॉपिंग बॉबल्स नहीं लेने। तो बस जी एनीवे वहाँ से फिर हम लोगों ने क्या कुछ खाना ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा सा ले जाती हूँ, घर जाके एकदम नहीं दिल करता कुछ बनाने को या क्या। तो वहाँ पर मेरी ट्विंकल को पसंद है जैसे चिकन विंग्स हैं, चिकन पीसीज हैं, तो बस ये ले लिए, साथ चिप्स वगैरह ले लिए। तो ये देखिए अभी निकालेगी क्योंकि उसकी पसंद क्या है, उसके डैड के लिए भी ले लिए। तो फिर ये ऐसा होता है कि ईजी आँखें ना, तो बंदा रिलैक्स होकर ये खाना खा लेते हैं, और बाद में फिर मैंने सोचा कि खाना मैं बाद में बनाऊँगी। तो चले देखें। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए रिमेंबर ये उस दिन मैंने पॉट मंगवाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हांडी होती है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील की है। तो ये देखिए बिल्कुल है ना हंडिया की शेप, बिल्कुल वही। तो मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने ली, तो आज मैं इसमें खाना बनाने लगी हूँ। सबसे पहले खाना बनाने लगी इसमें देखती हूँ कैसा बनता है। और ये है कि मेरे जो ये है ना चूल्हा कुकर, ये है इलेक्ट्रिक,
तो इसमें हीट का भी बहुत ज़्यादा वो एक ना ख्याल रखना पड़ता है। तो चले मैं देखती हूँ कैसा इसमें बनता है और मैं किस तरह हीट को मैनेज करती हूँ। स्टे विथ मी प्लीज। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ ट्विंकल क्या कर रही है। ये देखे, ये क्या कर रहे हो? ये देखे जी, आपको पता है ना इसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। ये देखे, ये इसने अनियन अभी पील करके रखा है। ये अच्छा लगता है आपको खाना पकाना? चलो ठीक है, मेरी असिस्टेंट है, मेरी हेड, मैं हेड शेफ होती हूँ, ये मेरी असिस्टेंट होती है। ठीक है जी। आज मैं बना रही थी आलू गोश्त, लेकिन आलू गोश्त बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं एक तरीके से कभी भी खाना नहीं बनाती, मैं हम डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके हैं ना, स्टाइल हैं, वो आज़माती रहती हूँ। और खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा खाना बन जाता है। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये मेरा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया। इसमें मैंने प्याज था, टमाटर थे, लहसुन अदरक था, और फिर उसके बाद हरी मिर्च डाली, और जितने भी वो नमक मिर्च वगैरह सारे मसाले हैं वो डाले जो नॉर्मल हम डालते हैं। लेकिन मैं प्याज़ में क्या करती हूँ ऑलवेज़, कि मैं उसमें ज़ीरा डाल के उसको भून लेती हूँ, क्योंकि ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी होती है, और वैसे भी ज़ीरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप तो ऐसा कुछ खाना बनाओ तो थोड़ा सा ज़ीरा उसमें डाल लिया करो। ठीक है। अब ये देखिए, ये मीट था, ये फ्रीज़र में रखा हुआ था। ठीक है, देखिए कैसे जमिया पिया है। एनीवे मैंने इसको कहा चल पाई हूँ तो इधर से जा तो थोड़ा सा गरमाइश ला लें। तो अब ये थोड़ा सा वो इसमें गया, तो ये देखिए जी आप कैसे खूबसूरत और मज़े का आ गया वो उसका कलर। किस किस के मुंह में पानी आया, सही बताना, आया ना मुंह में पानी? बस ठीक है। तो ये देखिए जी, ये हमने ऐसे भून लेना है। भून के ये इसका इतना अच्छी खुशबू और इतना अच्छा टेस्ट था कि ट्रस्ट मी आई कॉन्ट एक्सप्लेन, क्योंकि मैं बस कहूँगी ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो आपने कहना है बाजी कितना अच्छा सी। तो ये तो वो है जो खाएगा या जो सू इधर खड़ा कर, जिसको खुशबू आएगी, जो सूंघेगा इस खुशबू का। तो बहुत मज़े का खाना था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। कोई ख़ास चीज़ नहीं थी इसमें डाली, बस जी थोड़ा बहुत अपना वो किचन टच कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें जी मैंने आलू डाले थे, बहुत ज़्यादा आलू नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर बच्चे तो बहुत कम खाते हैं, जो शैली है वो थोड़ा बहुत आलू खा लेती है, और या हम तीनों खाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मैं भाई, लेकिन मेरी छोटी जो है ना वो ना इन पोटैटो शटेटो के चक्करों में नहीं पड़ती। हाँ चिप्स वो खाती है, लेकिन खंडिया में जो बने होते हैं ना आलू वो नहीं खाती। तो बस जी ये देखिए, अभी मैं इसको आलू को भी इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। गोश्त तो हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया था, और इसको मैंने अच्छी तरह से, मतलब इसका जब मैंने वो मसाले में डाला था, फिर इसका पानी खुद से निकला था, गोश्त का सारा पानी, क्योंकि वो फ्रीज हुआ था ना मेरा चिकन। फ्रा मैं क्या बोल रही हूँ यार, तो कभी कभी बोलते बोलते ज़ुबान जो है ना ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये देखिए जी, मैंने इसमें पानी डाल दिया। अभी ये पानी आपको तो लगता होगा कि ना ज़्यादा पानी कुड़ी ने पहुँचता, कुड़ी ने है ना, कुड़ी क्या क्या बने कुछ करो। एनीवेज तो बस ये पानी इसमें डाल दिया। कलर देखिए कैसा खूबसूरत आ रहा है, यकीन माने इसके साथ रोगनी नान खाएं तो आपको हो जी वाह क्या बात है। तो इतना यमी ये आलू गोश्त बना था ना, बस मैं तो बस 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 ही कह सकती हूँ। ये देखिए जी कैसी ग्रेवी, उसकी थिक ग्रेवी बनी है, और मतलब गोश्त भी इतना ज़्यादा अच्छा, मज़े का टेंडर हुआ था। लैम्ब है, हम लैम्ब खाते हैं, तो बड़े यमी हुआ था, बड़े मज़े का बना था। तो आई विश कि आप लोग होते तो मैं आप लोगों को खिला देती, लेकिन किसी ने खाना है जो मेरे नियर बाय हैं तो प्लीज़ आ जाओ खा जाओ, कोई मसला नहीं है। तो साथ ही साथ जी मैंने रोटी बनाई, रोटी बनाते बनाते बस इस तरह टाइम गुजर गया। और फिर चले जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मतलब इसकी लुक कैसी आ रही है। मैं एक्चुअली डाल रही थी, मेरे थोड़े से हाथ पे ना चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैंने ट्विंकल को बोला कि इस तरफ खड़े रहना और मामा इसमें बॉल में सालन डाल देगी। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और मुझे करो सपोर्ट, बिकॉज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, अब आऊँगी एक अच्छे व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम के लिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।